क्या हो गया भैया, स्कूटी क्यों रोक दी? पता नहीं अचानक स्कूटी बंद कैसे पड़ गई। क्या खटारा स्कूटी है तेरी, जल्दी से स्टार्ट कर इसे। मैम स्कूटी तो स्टार्ट नहीं हो रही है। आप एक काम करो ना, आपकी लोकेशन यहाँ से 100 मीटर दूर ही है। आप एक काम करो ना, आप पैदल चले जाओ। मैं यहाँ से पैदल चले जाऊँ? मैंने राइड इसलिए बुक की है ताकि आधा रास्ता मैं पैदल चल के जाऊँ। आप ठीक बोल रहे हो, पर स्कूटी खराब हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ? 100 मीटर तक तो है, आप प्लीज चले जाओ, थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए। मैं कोऑपरेट कर लूँ? मैंने पैसे दे के ना ये राइड बुक की है, तेरी स्कूटी खटा रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं एक काम करता हूँ, मैं राइड अपनी तरफ से कैंसिल कर देता हूँ, फिर आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। और अच्छा, तो मुझे यहाँ छोड़ के जाने की प्लानिंग है तेरी? ना तो मैं दूसरा राइडर बुक करूंगी और ना ही पैदल चल के जाऊंगी। मैम लेकिन क्या लेकिन, 100 मीटर ही तो है ना, सोच ले तुझे क्या करना है। क्या जमाना आ गया है, बेचारा बाइक खींच के ले जा रहा है और वो खुद बैठी हुई है। अभी सोशल मीडिया पर ये देख फूबर ड्राइवर के साथ क्या हुआ। बेचारा ड्राइवर, इसको तो बैन करवा देना चाहिए। इंटरव्यू के लिए इतनी लेट हो रही हूँ यार, ऑटो ही बुक कर लेती हूँ। वो क्यों नहीं हो रहा है? हेलो। हेलो, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत देर से ऑटो बुक करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा ऑटो ही नहीं बुक हो रहा है। एक मिनट दीजिए, मैं चेक करता हूँ। जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपको हमारे ऐप पे बैन कर दिया है। क्यों? कुछ दिनों पहले आपने जो हमारे ड्राइवर के साथ बिहेवियर किया था, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं दूसरे ऐप से कैब बुक कर लेती हूँ। माफ कीजिएगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि आप पूरी कम्युनिटी की तरफ से बैन हो। इस ऐप से तो क्या पूरी इंडिया में कहीं से भी राइड बुक कर सकते हैं। क्या हमारे पास कॉल करने के लिए था? लेकिन मुझे ना बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, तुम मुझे ऑफिस छोड़ देगा क्या? नहीं यार, अभी यही हो पाएगा। ठीक है, भैया आप?
हाँ वो मैंने आपको देखा तो सोचा आपसे एक बार बात कर लूँ। वो उस दिन मुझे नहीं पता था कि किसी ने हमारी वीडियो बना ली और ऐसे अपलोड कर दी है। आई एम सॉरी। नहीं भैया, आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती तो मेरी ही है, मैंने जो इतनी घटिया हरकत की, आपको मशीन जैसे ट्रीट किया। इतनी गर्मी में और धूप में आपसे बाइक तो खिंचवाई, ऊपर से उस पर बैठ भी गई। इतनी बेरहमी की यही सज़ा होनी चाहिए ना? आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, कोई बात नहीं। नहीं भैया, इतना काफ़ी नहीं है, पैसों से बढ़ के भी कुछ चीज़ें होती हैं। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं। वैसे आपको कहीं जाना है क्या? आप बहुत परेशान लग रहे हो। जाना तो था भैया, ऑफिस में इंटरव्यू था, लेकिन कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं है। और ले जाएंगे भी क्यों, ऐसी घटिया हरकत जो की है मैंने। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। और हाँ, उसके बाद में मैं एक वीडियो भी बना दूंगा सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, जिससे लोगों को पता चल जाएगी आपने मुझसे माफ़ी मांग ली। फिर ये कमली आपसे, आपके ऊपर से बैन भी हटा देगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच भैया। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.